आप नेशनल एल्यूमिनियम पर भी सेट कराइए, यहाँ पर जो हमने पिछले हाई लेवल्स देखे थे 84 के, अब आपको वो स्क्रीन पर आते हुए दिख सकते हैं, 82.85 रुपये प्राइस है। और इस वक्त पूरा का पूरा मेटल का महकमा आपको चमकता दमकता दिखेगा। जी हाँ शैल जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अगर आप देखें सही शब्दों का इस्तेमाल किया, मीनिंगफुल तीन पॉइंट हैं इस स्टॉक पे डिस्कस करने के लिए लायक। डायरेक्टर साहब चार्ट पे एक महीने के चार्ट को कवर कीजिएगा कैंडलस्टिक पर, और देखिए आप दिन था 10 मई का वो हाई, उसके बाद 25 जून का हाई, उसके बाद 29 जून का हाई, ये तीन हाईज इस स्टॉक ने आज काटे हैं और आज ये इस दौर की अपनी नई ट्रेजेक्टरी पे है 82.70। अगर मैं सही हूँ तो आपकी अप्रोच क्या रहेगी यहाँ पे असित, अगर आप प्लीज़ इस स्टॉक को ट्रैक करते हो नाउ 82.90, इट्स अ टिपिकल आई थिंक नहीं है। कविता आपकी राय क्या होगी 82.90 इस फ्लैग का और साथ ही साथ राउंडिंग बॉटम का टारगेट आपको क्या दिखाई दे रहा है? यस विवेक जी, इट्स अ राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट है और मल्टीपल रेजिस्टेंस को क्रॉस करके आज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से पूछें तो मुझे लगता है 84.60-85 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए देख सकते हैं, और अगर मल्टीपल डेज में अगर 84.60 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो आई बिलीव इट हैज पोटेंशियल कि वहां से 4-5 पॉइंट्स का फर्दर मूव हम इसमें आते हुए देखें। चलिए चर्चा मेटल्स की हो रही है और ये सब तो जानी मानी कंपनीज हैं, लेकिन अगर आपके सामने एक फ्रेश स्टॉक पेश किया जाए जिसकी लिस्टिंग अभी हाल फिलहाल हुई है उस पर नज़र डालिए। डायरेक्टर साहब लेके आइए श्याम मेटलिक्स, ये काउंटर का IPO 306 रुपये पे आया था, लेकिन आज जो आप इसमें मोमेंटम देख रहे हैं वो है लगभग 403.70 रुपये के आसपास। ये एक इंटीग्रेटेड मेटल्स सप्लायर है और जिस हिसाब से अब आप रौनक मेटल काउंटर्स में आते हुए देख रहे हैं आपको श्याम मेटलिक्स बढ़िया तरीके से काम करता हुआ दिखेगा। तीन इनके यूनिट हैं वेस्ट बंगाल में और उड़ीसा में। सबसे पहले यहां पर जुड़ते हैं चंदन तपड़िया साहब से। चंदन जी प्राइस एक्शन इतना ज़्यादा नहीं है लेकिन मेटल की तेज़ी शानदार है। श्याम मेटलिक्स आपके सामने 408.70 रुपये पे, बताइए क्या कीजिएगा? जी सेल जी देखिए, जिस हिसाब से मेटल की महक है मेरे हिसाब से सारे के सारे मेटल 5-10% की रैली दिखाते हुए नजर आएंगे, तो यहाँ पे जो भी इमीडिएट ट्रेडिंग के लिए देखना चाहते हैं वो कोई ना कोई मेटल काउंटर जरूर पिक करे। श्याम मेटल की बात करें तो सेल जी काफी अच्छा प्राइस मोमेंटम है, अभी इसका रिसेंट हिस्ट्री है, बट यूजली मैं रिसेंट हिस्ट्री वाले काउंटर्स के ब्रेकआउट को ट्रेक कर रहा हूँ, चाहे आप हैप्पीएस्ट माइंड के देखें या फिर एंजल ब्रोकिंग के देखें। और इस काउंटर ने जो अपने 3 वीक पहले के हाई थे 408 उसको डिसाइसिवली सरपास किया है, लगातार 4 दिनों से यहाँ पे हायर हाइज हायर लोस बन रहे हैं जो साफ इंडिकेट कर रहे हैं कि एक बड़े ब्रेकआउट्स के लिए काउंटर तैयार है। तो 399 के स्टॉप लॉस से ये काउंटर खरीद सकते हो, आपको 430 और 444 तक के अपसाइड एक्सटेंडेड टारगेट देखने को मिलेंगे। तो मेटल में बिल्कुल आपका मोमेंटम रहेगा, इंट्राडे में भी सारे के सारे मेटल आपको 2-3% की रैली दिखा देंगे। चलिए यहां पर ऐसा करते हैं क्योंकि एक नया काउंटर है और यहां पर बहुत बढ़िया ब्लॉक डील्स हो रही हैं 62,53,45,54,21,34 और 60 की, जरा राय लेते हैं यहां पर फंडामेंटली। शाह साहब नमस्कार, शुभ दिन आपको। गौरांग जी किस हिसाब से आप श्याम मेटलिक्स के काउंटर को देखते हैं? बाजार फ्लैट है लेकिन मेटल्स की चहक दिखती हुई, और ये रिसेंटली लिस्टेड IPO है तो इसमें कोई ऐसी पुरानी हिस्ट्री भी नहीं है। धन्यवाद शैल जी, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो लोहा ही लोहे को काटता है और लोहा ही लोहे पर भारी पड़ता है, और मुझे वो दिन भी याद है, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते ही आपसे ही लिस्टिंग के दिन चर्चा हुई थी श्याम मेटालिक्स की, और उसी दिन मेरे ख्याल से कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस KISM की भी लिस्टिंग हुई थी। तो बुनियादी तर्क के आधार पर IPO में हमने IPO नोट द्वारा निवेश की राय दी थी लंबी अवधि के लिए, और वही टिप्पणी लिस्टिंग के बाद भी जब हमने अच्छे खासे मुनाफे देखे थे उस दिन भी हमने राय दी थी कि अगर समय है, जल्दबाजी नहीं करनी है तो अपना निवेश बना करके रखें। और अगर मेरी याददाश्त सही है सेल जी, तो कल ही नतीजे आ रहे हैं मेरे ख्याल से श्याम मेटालिक्स के, ऐसा मैंने कुछ समय पहले देखा था जब मैं सूची पढ़ रहा था कल के नतीजों की, TCS वगैरह जो भी है आ रहे कल। तो लोहे में मेरे ख्याल से जो गर्मी है वो आने वाले काफी समय तक बनी रहेगी, और इसके साथ साथ मुझे लग रहा है कि मेटल्स के साथ सीमेंट भी मेरे ख्याल से
काफी अच्छी तरीके से अदाकारी निभाएगा। ये रणनीति आपके सामने शाम मेटेलिक्स पर आती हुई दिख रही है, नतीजे यहाँ पर कल आएंगे और जो हमारे पास ऑलरेडी आंकड़े हैं एक बार ज़रा उन पर ध्यान डाल लेते हैं। पिछले फाइनेंशियल ईयर 9 महीने में इस कंपनी ने लगभग आपको 3,933 करोड़ रुपए का टॉप लाइन आता हुआ दिखाया और फिलहाल आपके सामने जो एबिटा मार्जिन थी वो थी लगभग 18.3%। अब दिन के उच्चतम लेवल 411.60 पर आपको शाम मेटेलिक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, सारे का सारा मेटल पैक गहरे हरे निशान में। वीरेन जी, जी शैल जी, वो सेल का ऑप्शन 4.50 रुपए का 5.20 रुपए होके आ चुका है और अभी 5.10 रुपए इस पे स्क्रीन पे ट्रेड कर रहा है। लीजिए स्क्रीन पे बात करते करते 5.30 रुपए, यानी एक 4 रुपए के ऑप्शन पे, 4.50 रुपए के ऑप्शन पे अब इस वक्त आपको 1 रुपए यानी करीब करीब 22% का स्विंग मिल चुका है। सेल डे हाई पर है 128.70। आगे बढ़ते हैं, NMDC को पकड़ते हैं। अब देखिए, दो दिन की जो सप्लाई का इशू था OFS का वो खत्म हो जाएगा, फिर ये स्टॉक जो है वो नॉर्मल ट्रेजेक्टरी में आ जाएगा। चंदन, आप इसको कैसे अप्रोच करेंगे? आप देखिए ना, इस पूरी प्रोसेस को भी इसने बहुत नज़दीक अपने 50-day MA के पचा लिया, सिंक नहीं हुआ ये स्टॉक और आज की कैंडल इंडिकेट कर रही है कि मेरे ख्याल से एक दो दिन में स्टॉक रिकवरी हो जाएगा। आपकी अप्रोच क्या रहेगी NMDC पे, और स्पेशली वो लोग जो कि पहले से लॉन्ग हैं और उनके स्टॉप लॉसेस इस रेंज के बेस के आसपास प्लेस्ड हैं, आपकी राय क्या रहेगी? जी मेरे, देखिए आप मेटल्स की बात कर रहे हो तो फ्रेंकली स्पीकिंग मेरा ज़्यादा रुझान टाटा स्टील, स्टील अथॉरिटी, JSW स्टील या फिर जो सेल जी नबी श्याम मेटलिक की बात की वहाँ पे रहेगा। बट फिर भी यदि NMDC को लेना है या किसी के पास पोजीशन है तो उनको यहाँ पे एक मेजर लेवल से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का कॉर्पोरेट एक्शन हुआ है, थोड़ा सा दबाव पिछले 3-4 दिनों से हुआ है। बट अच्छी बात यह कि आज के जो ओपनिंग लो बने हैं वो एक मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। स्टॉक जरूर अपने लगभग 8 वीक के लोवेस्ट लेवल पर चल रहा है, बट मेरे हिसाब से 165 अब एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, और 165 यदि सपोर्ट के हिसाब से काम करती है और कल एक हल्का सा पॉजिटिव ओपनिंग भी देखा तो रिसेंट का 4 दिन का लोअर टॉप लोअर बॉटम निगेट होके ऊपर में 173-175 तक का बाउंस दिखाएगा। तो 165 के लेवल का ध्यान रखना चाहिए जिनके पास जो पोजिशन है, ऊपर में बाउंस बैक के लिए काउंटर को प्ले कर सकते हैं। के सामने फिलहाल बहुत बढ़िया मूव आता हुआ दिख रहा है NMDC पर, इस पर ज़रा शांति बरतिए। वो इसलिए क्योंकि अभी रिटेल और नॉन रिटेल OFS जो है उसमें अलॉटमेंट्स देख लेते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शंस देख लेते हैं और फिर आपको ये काउंटर नीचे लेवल पर मिलता हुआ दिखेगा। चौतरफा तेज़ी आपको मेटल्स में आती हुई दिख रही है और एक ध्यान और रुझान हम लोग डाल लेते हैं फिलहाल ल्यूपिन पर। बहुत दिनों बाद वीरेन जी ये काउंटर आपको दिन के उच्चतम लेवल 1146 के आसपास चलता हुआ दिखेगा और